हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स बाय ओडिया मु संगीता तुम मानक स्वागत जनाऊँगी आज गोटे नुआ क्लास को आज आम पढ़ा दशम श्रेणी इतिहास प्रथम अध्याय प्रथम पाठर भारतीय जातीय आंदोलन में गांधीजी आविर्भाव पर जहाँ सब आंदोलन होता ता विषय टी ओवरलुक दबा आेष दुईटा जिनस बाकी रही जाता ए चैप्टर रु गोटे रावलाताइन आवलाताइन विरुद्ध जो भारतीय मानक गांधीजी आंदोलन नेक्स्ट थी जालियानवाला बाग हत्याकांड तो या आगुर आम पढ़ी जे महात्मा गांधी जिते बारिस्टरी सारिकी भारत को फेरी से भारत रे आईन व्यवसाय आरंभ करते दक्षिण आफ्रिका जाते दादा अब्दुल्ला मुकदमा लड़ापी दक्षिण आफ्रिकार से देखिते कृष्णांग आफ्रिकीय भारतीय मानक इंग्रेज मानक वर्ण वैषम्य नीति अनुसार अत्याचार अन्याय तांकर कौन कौन सब असुविधा होता से भारतीय मानक केमी कुली बोली डका होता से सब जिन से सब घटना गांधीजी साथी में घटी दक्षिण आफ्रिकार जहाद्वारा मर्माहत हो कि से भारत जातीय आंदोलन बोली प्रेरित होते दक्षिण आफ्रिकार आंदोलन करते सत्याग्रह करते अहिंसा को प्रथम अस्त्र भाव से ग्रहण करते अहिंसा आउ सत्याग्रह को लेकिन सेठी से जयलाभ करते दक्षिण आफ्रिकार गांधीजी जयलाभ पर से फेरी पुणी भारत को भारत रे पूरा वर्षे से भारत सारा बुली गोपाल कृष्ण गोखले परामर्श क्रमे से बुली थे गोपाल कृष्ण गोखले थे राजनैतिक गुरु से गोटे वर्ष पूरा भारत सारा बुलिकी भारत जहाँ भारत कोण कोण से केमिति अन्याय अत्याचार होउची आ भारतीय मानक मध्यरे स्वाधीन होबा पई बोली स्वराज पाइबा पई बोली सेमानक मनरे केते अछि निया अछि ना नाही सेटा देखिया पई से पूरा भारत बुलिथिले ता परे तांकर तीनटा आंदोलन भारत रे हेथिला प्रथम आंदोलन थिला चंपारण आंदोलन जोडा कि बिहार रो चंपारण जिल्ला रे हेथिला तीनकाठिया व्यवस्था विपक्ष रे तीनकाठिया व्यवस्था उठि जाइथिला गांधीजी सत्याग्रह पर तीनकाठिया व्यवस्था उठी जाता तो ये गांधीजी सफलता पाई प्रथम सफलता भारत में तापर नेक्स्ट आसाला 1918 मसीह खेड़ा आंदोलन होता यहाँ होता गुजरात खेड़ा जिले में जो दुर्भिक्ष पर राजस्व अधिका करा विरुद्ध विपक्ष में खेड़ा आंदोलन होता गांधीजी ये सत्याग्रह को अस्त्र बनई नेक्स्ट तांकर आसला 2018 मसीह ही अहमदाबाद लुगा कारखाना आंदोलन सेठी मध्य गांधीजी सफल होते से सत्याग्रह को तांकर अस्त्र भाव में व्यवहार करके नेक्स्ट आज आम पढ़ा रावलाताइन रावलाताइन कौन आगे आम बुझीनबा रावलाताइन हूँ गोटे एक्ट जोटा कि रावलात अधीन दिजाइला रावलात अध्यक्षतार रावलात अध्यक्षतार गोटे कमिटी गठन करा करा से कमिटी सुपारिश करते से कमिटी सुपारिश अनुसार गोटे आईन प्रणयन होता जोटा कि रावलात आईन बोली कहा जाए यहाँ कौन पर देख 1914 मसीह आमर प्रथम विश्वजुद्ध होता प्रथम विश्वजुद्ध विश्वर अधिकांश राष्ट्र जोग देते भितर भारत नाला कितु इंग्लैंड इंग्लैंड रो गोटे उपनिवेश भाव में भारत मध्य सम्मिलित थिला तो इंग्रज सरकार कौन कले भारत रु सैन्य जिते अभाव है भारत रु सैन्य नहीं कि युद्ध से लगे थे प्रतिश्रुति थिला जे से भारतीय मानक स्वराज देवे भारत रो जो शासन क्षमता अच्छी ता भीतर किसी क्षमता भारतीय मानक देवे से प्रतिश्रुति नहीं कि इंग्रेज सरकार कौन कले भारत रु सैन्य नहीं कि युद्ध सम्मिलित कले युद्ध सरला विश्वजुद्ध पर 1914 पर्यंत युद्ध होता 1914 रु आरंभ होता 1918 सर युद्ध पर कौन हुए दरदाम वृद्धि खाइबा पीबार अभाव है दरदाम वृद्धि है लोक मैंने काम हर किसी जीवन भी जाइला या पर इंग्रेज सरकार कौन कले 1918 पर पलटी गले आउ भारत को स्वराज देले कि भारतीय मानक शासन व्यवस्था सम्मिलित कले
ଏଥିରେ ଭାରତରେ ବିଦ୍ରୋହ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଭାରତୀୟମାନେ ପୁରା ତାତି ଗଲେ, ସବୁଠି ବିପ୍ଳବ ହେଲା। ଲୋକମାନେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି ନାନା କଥା କହିଲେ। ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ବାହାରିଲା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଲା, ଇଂରେଜ ସରକାର ଏମାନଙ୍କର ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧି, ବିପ୍ଳବାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧି ଥିଲା, ଏଇଟାକୁ ଦବେଇବା ପାଇଁ ବୋଲି, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଦବେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ, ବିଦ୍ରୋହ ବିପ୍ଳବକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ରାଉଲାତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଉଲାଟ କମିଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେ ରାଉଲାତ କମିଟିରେ ସେମାନେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କଲେ ଯେ ବିନା କୌଣସି ୱାରେଣ୍ଟରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ, ଯେଉଁଠୁ ଚାହିଁବେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ କାରାଦଣ୍ଡ ଦେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଦେଖ କେମିତି ଅନ୍ୟାୟ, ୱାରେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଦୋଷ ବି ଦେଖା ହେବନି, ତାଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି କହିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ଉଠେଇକି ନେଇକି କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଥିଲା। କାରାଦଣ୍ଡ କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଥିଲା ଏଇଟା, ବିନା ୱାରେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ତ କାରାଦଣ୍ଡ ଦିଆହେବ, ତା ସାଙ୍ଗରେ କାରାଦଣ୍ଡ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହାଇଏଷ୍ଟ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଜେଲରେ ରଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ଥିଲା ରାଉଲାତ କମିଟି। ୟା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଡ୍ କରାହେଇଥିଲା, କ'ଣ, ଯେ ଭାରତୀୟମାନେ ମେଳି କରିପାରିବେନି, ମେଳି ଅବଲିଶ କରାହେଇଗଲା। ଯେଉଁଠି 2ରୁ 3 ଜଣ ବେଶି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବେ, ସେଠି ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ବୋଲି, ବିପ୍ଳବ ପାଇଁ ବୋଲି କଥା ହେଉଛନ୍ତି କହିକି ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଦିଆଯାଉଥିଲା। ମାଡ଼ ବି ତ ହେଉଥିଲା କାରାଦଣ୍ଡରେ, ସେଇଟା ବି ତ ତା ଭିତରେ ଏକା ଗୋଟେ ଅଛି। 1919 ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରେ ରାଉଲାତ ଆଇନକୁ ଗୃହୀତ କରାଗଲା। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଏସବୁ ରାଉଲାତ ଆଇନ ତିଆରି ହେଇଛି, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏସବୁ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି, କାରାଦଣ୍ଡରେ ରଖାହେଉଛି, ବିନା କିଛି ୱାରେଣ୍ଟରେ, ବିନା ଦୋଷରେ ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ନିଆଯାଉଛି ଘରୁ, ସେତେବେଳେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କଲେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରିକି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ, ସବୁ ଏକ ହେଇଯାଅ, ରାଉଲାତ ଆଇନ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ଅମାନ୍ୟ କର। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ କ'ଣ କଲେ ଲୋକ, ସେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟର୍ସ, ଯେଉଁମାନେ କି ଅହିଂସା ଆଉ ସତ୍ୟାଗ୍ରହକୁ ହିଁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ର ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। କାହିଁକିନା ୟା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଗୁଡ଼ାଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେ ଜୟ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ, କି ଭାରତରେ ଆଉ 3ଟା ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଗଲା, ଖେଡ଼ା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଚମ୍ପାରନ୍ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅହମ୍ମଦାବାଦର ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏସବୁଥିରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଜୟଲାଭ ହୋଇଯାଇଛି, ସଫଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ସିଏ ଭାବୁଥିଲେ ଲୋକେ ଯେ ରାଉଲାତ ଆଇନ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହୋଇଯିବ। ସେ ଆଶାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପଛରେ ପଛରେ ବହୁତ ଲୋକ ଚାଲିବାର ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତା ସାଥିରେ କିଛି ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଂରେଜମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ମାନିବେନି, ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ଅହିଂସା ଦେଖେଇଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଥାପଡ଼ ଖାଇଲେ ସେମାନେ ଆଉ 2 ଥାପଡ଼ ମାରିବେ, ସେ ଭୟରେ କିଛି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ମାନୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅହିଂସା ନୀତି ଅଛି ତାକୁ ସେ ମାନୁନଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମତୀ ଆନି ବେସାନ୍ତ ଆଉ ଦିସ୍ ଏଦୁଲଜୀ ୱାଚା, ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବାନାର୍ଜୀ, ତେଜ ବାହାଦୁର ସାପ୍ରୁ, ତାପରେ ଶ୍ରୀନିବାସ ଶାସ୍ତ୍ରୀ, ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଯେଉଁ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଥିଲା ଯେ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ଅହିଂସା ହିସାବରେ ଚାଲିବନି, ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହିଂସା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଆଉ ହିଂସା ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର ମଧ୍ୟ ହିଂସା କରିବେ। ସେ ହିଂସାତ୍ମକ ଦିଗ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା ଆଗରୁ, ଏମାନେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ କ'ଣ କଲେ, ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଜାରି ରଖିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ବିରୋଧକୁ ଅବମାନନା କରିକି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଚାଲୁ ରଖିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା, ପୁରା ଦେଶରେ ହରତାଳ ପାଳିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଲୋକଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ। ପୁରା ଦେଶରେ ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଗଲା ଯେ ଏଇ ଡେଟ୍ରେ, କେବେ, 1919 ଏପ୍ରିଲ 6 ତାରିଖରେ ହରତାଳ କରିବା। ହରତାଳ କେମିତି କରିବା, କିଛି ବି କାମ କରିବାନି, ଖାଇବାନି, ପିଇବାନି, ଖାଲି ଉପବାସ କରିବା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଉ ଅହିଂସା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଅହିଂସାରେ ଆମେ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ଦବେଇଦେବା। ସେମ୍ ଜିନିଷ ହେଲା, 1919 ଏପ୍ରିଲ 6ରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହରତାଳ ହୋଇଗଲା, ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ମାର୍କେଟ କାରଖାନା ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା, ଶ୍ରମିକମାନେ କାମ କଲେନି, ଖାଇଲେନି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ, ଘରେ ଉପବାସ କଲେ। 1919 ଏପ୍ରିଲ 9 ତାରିଖରେ କ'ଣ କଲେ, ଏସବୁ ଘଟଣା ଦେଖିକି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାହେଲା। 1919 ଏପ୍ରିଲ 9ରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଦେଲେ, କାହିଁକି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତେଇକି ହରତାଳ କଲେଣି ବୋଲି। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର ଗିରଫ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣିକି ଲୋକ ଆହୁରି ତାତିଗଲେ।
साधारण जनता तो एमितरे तातिकी थिले पुणी रागी गले दिल्ली रे कोलकाता रे मुंबई रे अहमदाबाद रे लाहौर अमृतसर भलिया बड़ बड़ जगह रे मध्य लोक बहुत ताति गले आ से माने कोन कले भारतीय इंग्रेज इंग्रेज माने जो गांधी जी को जातिर पिता को बांधी कि नहीं चंदी ए माने सब कोन कले बहुत जोर विद्रोह आरंभ कर देले कोठी हिंसात्मक हला कोठी अहिंसा रे हेची किंतु कोठी हिंसात्मक रूप रे मध्य आंदोलन आरंभ हला। सेम टाइम रे कोन हला 1919 अप्रैल 10 तारीख रे अमृतसर रे दुईटा नेता को मध्य गिरफ कर दिया गला। से दुईटा नेता किए सैफुद्दीन किचलू आउ जने थिले डॉक्टर सत्यपाल ए दुई जन को मध्य अमृतसर रे गिरफ करा गला। एमाने मध्य गांधीजींकर नीति अनुसार एमाने मध्य आंदोलन करथुले विद्रोह करथुले। तापर कोन हला 1919 अप्रैल 13 तारीख जोडा कि भारतीय इतिहास रे केवल भारतीय इतिहास नुहे समग्र विश्व इतिहास रे गोटे कलंकर दिन कहा जाए 1919 अप्रैल 13। से दिन कौन है बैशाखी उत्सव पालन करने आड़े आउ जो गिरफ होती महात्मा गांधी सैफुद्दीन किचलू सत्यपाल भली आउरी गुड़ाए नेता सेमानंकर प्रतिवाद करने बोली जालियानावाला बाग रे जनसमावेश करागला। हजार हजार भारतीय सेठी जमा हेले कौटी जालियानावाला बाग रे जमा हेले हजार हजार भारतीय गोटे जगह जमा है सेमानंक भीतर मूल लक्ष्य थिला जो प्रतिवाद करिवे गिरफर प्रतिवाद करिया पई बोली समस्त को सचेतन करिवे किंतु आगो को रखाई थिला बैशाखी उत्सव पालन एमितरे तो रावला तायन अनुसार दुई रु तीन जन गोटे जगह रहिकी मेली कर पारिबेनि समाने डिस्कशन कर पारिबेनि कोनोसी कथा से हुए तांकर पर्सनल कथा भी होइथै किंतु सेमाने तीन जन चार जन गोटे जगह रहिकी कथाबार्ता हबा गबनि सेतेबेले रावला तायन हेथिला। किंतु 1919 अप्रैल 13 रे बैशाखी उत्सव पालन आलरे कौन हो हजार हजार लोक जालियानवाला बाग रे जमा होती सेतेबेले भारतर जनरल थिले डायर ये कौन कले बिना सचेतनतार समस्त को न जनईक एका थरे जाकि गुली बर्षण करने को इंग्रेज मान इंग्रेज सैन्य मानक अर्डर देदेले। तो जालियानवाला बाग केमती थिला देख से जगार गोटे ही रास्ता थिला बाहर को बाहर रास्ता गोटे ही थिला भीतर को एंट्री हो बा बाहर को बाहर हो गोटे ही रास्ता थिला आउ पाचेरी गुड़िक बहुत बड़ बड़ थिला पाचेरी जदि छोट था ताहले मध्ये लोक डेक जाई पारथाने किंतु पाचेरी गुड़िक बहुत बड़ बड़ थिला लोके कौन कले गुड़ी जेतेबेले बर्षिला भयरे एपट सेपट दौड़िले सेमिति दौड़ला बेले दला चकटा है कि किछि लोक मृत तापरे किछि लोक आहत हेले ता सांगरे गुड़िले मध्ये हजार हजार लोक मृत्युबरण कले। जालियानावाला बाग रे गोटे मर्मन्तुद घटना घटिला जोठी कि इंग्रेज सरकार बिना द्विधारे गुली बर्षण करिकी हजार हजार भारतीय को मारिदेले। तापर जालियानावाला बाग हत्याकांड पर जेतेबेले तदंत कमिटी बसिला सरकारी तदंत जो हैला इंग्रेज माने ही कले इंग्लैंड लोक आसिकी सेठी कले सरकारी हिसाब से तांकर मृत्यु संख्या तांके डिक्लेयर कले 379 आउ आहत होइछन्ती 1200 किंतु गांधीजी जेतेबेले निर्देश देले आउ थरे तदंत करा जाउ केते जण तांकर आहत होइछन्ती केते जणकर मृत्यु होइछि सेतेबेले गांधीजींकर तदंत हिसाब रे बाहरला मृत्यु संख्या ही 1200 आउ आहत 3600 लोक आहत होइछन्ती। ए जो मर्मन्तुद घटना घटिथिला गुलीकांड घटिथिला 1919 अप्रैल 18 रे कोन हला ए सब घटना पर रावला तायन विरुद्ध रे जो आंदोलन थिला भारतीय मानकर एटा प्रत्याहार करा गला गांधीजींकर परामर्श क्रमे रावला तायन विरोध आंदोलन बंद हो गला। रावला तायन को अमान्य करने बोली कहा जाइला भारतीय मानू एवं कौन है ए आईन विरोध में आंदोलन को स्थगित रखाला। ये मर्मन्तुद घटना जालियानावाला बाग रे घटी हत्याकांड घटी यार विरोध में इंग्रेज माने खाली भारतीय बोली नुहे कि भारत बोली नुहे विदेश में लोक यार बहुत निंदा करिल नाउ बहुत निंदा ही कर तापर आसला पंजाब रे कौन हला जो सामरिक आईन हला सेटा घोषणा करागला एडा गोटे आउ गोटे अत्याचार बोले कह चले पंजाब रे सामरिक आईन घोषणा करागला आउ लोकों ऊपर अत्याचार आरंभ हो गला। पंजाब रे लोके काकुति मिनती हेले सेठू खसिकी पलैवा पई बोली बहुत चेष्टा करछन्दी लोक सेठू स्थानांतर भी हो जाइछन्दी।
ये जो घटना घटला ये घटनारे मर्मन्तुद होइकी रवींद्रनाथ ठाकुर मध्ये तांकर जो नाइट पदवी थिला सेटा को त्याग करथिले आउ गांधीजी कायजरी हिंद पदवी मध्ये त्याग करथिले। तो देखिबा को गले मोटामोटी उपरे गांधीजींकर जेतिके आंदोलन थिला ता भितरु प्रथम विफल आंदोलन होउछि रावलातायन विरोध आंदोलन। काईक ना या पूर्वरु जेतेबेले गांधीजी अहिंसा और सत्याग्रह को अस्त्र करके चारिटा पांचटा आंदोलन बड़ बड़ आंदोलन छोट छोट विप्लव तो से सबू ये हिं ना कि बड़ बड़ आंदोलन जमीक चंपारण आंदोलन है खेड़ा आंदोलन है दक्षिण आफ्रिकार से जो वर्णवैषम्य नीति विरोध जो आंदोलन सेटा है सबू कौन सफल होती रावलातायन गांधीजी प्रथम विफल आंदोलन भावे ये हेला। ठीक अच्छे तो चैप्टर सरला आजपाई एति मिसिबा नेक्स्ट क्लास रे से पर्यंत बाय टेक केयर गुड नाइट।